नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन, मैं हूं नीरज त्यागी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब के अमृतसर से बर्मिंघम के लिए फ्लाइट शुरू कर दी गई है, जो हफ्ते में 2 दिन चलेगी, जिसका विधिवत शुरुआत करने के लिए अमृतसर के सांसद सरदार गुरजीत सिंह ओजला, विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका, भाजपा से विजय सांपला और राज्यसभा मेंबर श्वेत मलिक मुख्य द्वार पर पहुंचे। वहीं इस फ्लाइट के ऊपर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है, जिसका श्रेय भाजपा पूरी तरह से खुद लेना चाहती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी भी कोई मौका गंवाना नहीं चाहते। मीडिया से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रभारी विजय सांपला ने कहा कि भाजपा की ओर से अमृतसर से बर्मिंघम की शुरुआत बीते कुछ समय पहले की गई थी, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार की ओर से इसको बंद करवा दिया गया था। लेकिन उनके सांसद और राज्यसभा मेंबर श्वेत मलिक की ओर से अपने सीनियर नेताओं से बात करके इस फ्लाइट को दोबारा शुरू कराया गया है और इसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। इसकी डिमांड सी पंजाब के लोगों वालों, क्योंकि इतों दिल्ली जाते और दिल्ली तक बहुत लंबा समय उन्होंने इंतजार करना पैंदा सी, और वो लोगों की समस्या नु समझा गया और समझने तो बाद उसका समाधान इतों अज डायरैक्ट फ्लाइट जी है वो बर्मिंघम नु जी शुरू की जा रही है, और जिद असी नरेंद्र मोदी जी का एक जो विजन है कि पूरे देश में जिथे एयरपोर्ट नहीं उत्थे एयरपोर्ट बनाने, जिथे एयरपोर्ट बन गए उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइटों के नाल जोड़ना। इतों दिया शानदार सक्सैसफुल फ्लाइटों बंद करके डिवर्ट कर दिता गया और वो बंद कर दी गई। अमृतसर बर्मिंघम फ्लाइट भी बंद करती, घाटा पिया, एयरपोर्ट खत्म होने के कगार से आ गई। जो तो मैं MP बनया वादा किया एयरपोर्ट नू बचावांगा, सो मैं कई बार मंत्रियों नू मिलिया जिदे कि मैं धनवादी हाँ मोदी साहब का, जेतली साहब का, गजापति राजू जी का, जयंत सिन्हा जी का, सांपला जी का, कि अज ये फ्लाइट असं शुरू कर पा पाए हैं और एयर इंडिया ऑफिशियल का। सो कांग्रेसियों को माफ़ी मंगनी चाहिए और सत्याचार लिए जो 2010 किया जो एयरपोर्ट में लॉस होया भरपाई उस पार्टी को करनी चाहिए। बस्ती में पिकअप पलटने की वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिकअप में सवार लोग नेपाल से शादी समारोह से वापस आ रहे थे कि तभी पिकअप चालक को झपक आ गई और वो वाहन से नियंत्रण खो बैठा और पिकअप सड़क से नीचे गड्ढे में गिरते हुए एक पेड़ से जा टकराई, जिससे पिकअप में सवार सभी 41 लोगों में से दूल्हे पक्ष के 3 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 4 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पिकअप का ड्राइवर और मालिक दोनों ही घटना के बाद मौके से फरार हो गए। बहरहाल पुलिस दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है। बस्ती से अमृत लाल की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी ब्लॉक के गांव मरहायापुर में ग्राम प्रधान द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालयों में धांधली का मामला सामने आया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बनने वाले 150 शौचालयों में पात्र लोगों की बजाय अपात्र लोगों को शौचालय आवंटित किए गए हैं। बता दें कि ग्राम पंचायत मरहायापुर में शासन की ओर से 150 पात्र लोगों की शौचालय की लिस्ट जारी हुई थी, जिनमें शौचालय बिना गड्ढे के पास कर दिए गए हैं और जो शौचालय तैयार कराए गए हैं उनमें घटिया सामग्री प्रयोग की गई है। वहीं बीरियों का कहना है कि इसकी जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी कहना तो जो है 19 लाख रुपए काम आई जी, सूची तो पता लगा, गाँव वालों को पता नहीं था। जब यह सूची आई थी गाँव वाले जागरूक हुए, लोगों ने शिकायत भी करी, हम खुद गए और ब्लॉक में भी गए। जे ये जो शौचालय बनाए जा रहे हैं आप इनसे संतुष्ट नहीं है? नहीं जी नहीं, ठीक नहीं बने जी। एक्चुअली में क्या है, ये योजना के तहत हम लाभार्थियों के खाते में सीधा पैसा देते हैं और लाभार्थियों को ही ये प्रेरित किया जाता है कि वो गुणवत्तापूर्वक शौचालय बनाए, और अगर ऐसी कोई शिकायत है तो जाकर के इनको जानकारी, ऐसा तो हमारे पकड़ में से नहीं आ गया होगा तो उसको जाँच करा करके ठीक कराया जाएगा। पुरुकाजी से जिसान मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चंदौली में जिला प्रशासन द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में नकल कराने वाले 3 शिक्षा माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मौलाना आजाद कॉलेज के जो केंद्र व्यवस्थापक हैं उन्हें आज प्रातः से ही तब्दील कर दिया है, उसमें इन्विजिलेटर्स की को बदल दिया है, कॉलेज को ब्लैक लिस्टेड करेंगे और कॉलेज की मान्यता के लिए भी संस्तुति करेंगे कि ऐसे कॉलेजों की मान्यता भी निरस्त की जानी चाहिए। अमीन है मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज नवदर बलुआ के, जो परीक्षा से एक दिन पूर्व
ये रात को पेपर आउट कराते थे। इन्होंने एक साल्वर जिसका नाम जितेंद्र है, सैयद राजा का है, उसको हायर कर रखा था, उससे रात में क्वेश्चन आंसर तैयार कराते थे, फिर इसके बाद उसको सुबह मुक्त कर देते थे। मुक्त होते ही उसका संबंध कोचिंग संचालक से था, वो बाहर निकलता था और मेमोरी के आधार पे जितने प्रश्न उसको याद रहते थे उन प्रश्नों को अपने हाथ में लिखता था और लिख करके कोचिंग संचालक को देता था या अन्य लोगों को बेचता था व्यवसायिक लाभ के लिए, और ये लोग फिर उससे पैसा वसूलते थे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कर तेरा सानू सौरों मुड़िया ना आख बाब लावे चिड़िया तू कुड़िया ना आख बाब लावे चिड़िया तू कुड़िया के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मामला उत्तराखंड के जिला रुद्रप्रयाग के बड़ासू अंतर्गत राजस्व ग्राम तरसानी का है, जहां आजादी के 70 साल बाद भी सड़क न होने की वजह से 250 की आबादी वाले इस गांव के लोगों को दुर्गम पहाड़ियों और खतरनाक जंगलों के बीच खड़ी चढ़ाई चढ़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बता दें कि 2013 की आपदा में इस गांव को जाने वाले पैदल मार्ग भी ध्वस्त हो गया था, जो आज तक नहीं बन पाया, जिसकी वजह से बीमार गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और स्कूली छात्रों को हर रोज भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ग्रामीणों ने कई बार शासन से सड़क मार्ग को लेकर गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से सोई हुई है। वहीं ग्रामीण अपनी मांगे पूरी न किए जाने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं। हमें बहुत परेशानी होती है स्कूल जाने में, कई बार तो हम लेट हो जाते हैं, कई बार तो हमें बहुत देर हो जाती है कि पढ़ाई भी प्रभावित हो जाती है हमारी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे गांव तरसाली के लिए सड़क की मांग की जाए। सड़क बनने का कारण यही है मीन सर, यही बात है। सबसे पहले तो सड़क की बात है, दूसरी बात यह है सर कि जैसे लेडीजों की कहीं दिक्कतें आ जाती हैं, मेन तो प्रसव की बात है। यदि दिक्कत आ गई किसी औरत को, प्रसव की कई बातें ऐसी आ गई जो प्रसव होने के टाइम पे प्रसव रास्ता ही हो जाता है, मेन दिक्कत यही है। रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट। महोबा में सामूहिक विवाह की तीसरी कड़ी का आयोजन किया गया, जहां लगभग 29 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। बता दें ये सामूहिक विवाह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा गरीब लोगों का दर्द समझकर उनकी बेटियों का विवाह कराने की तीसरी कड़ी का हिस्सा है। सभी जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कराया गया। इस अवसर पर नव दंपतियों को घरेलू सामान भेंट किया गया। इस मौके पर जिले के डीएम और अन्य भाजपा नेता शामिल रहे। शादियां माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के निर्देशों के द्वारा हो रहे हैं। उन्होंने जो उत्तर प्रदेश की गरीब बेटियों का दर्द समझ कर हर बेटी को 20,000 रुपये नगद राशि और 10,000 रुपये का दहेज के रूप में देने का जो निर्णय लेकर एक महान कृपा की है। जो जागरूक परिवार थे वो भी फिजूल खर्ची को छोड़कर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अपनी बेटियों की शादी करा रहे हैं। महोबा से आकांक्षा शुक्ला की रिपोर्ट। पंजाब में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और युवाओं को ट्रैफिक संबंधी जागरूक करने के लिए मोगा के एक निजी कॉलेज में जिला मोगा के सेशन जज राजिंदर अग्रवाल की अगुवाई में सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां कॉलेज के छात्र छात्राओं को ट्रैफिक संबंधी जानकारी दी गई
और ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी की ओर से मौके पर ही छात्रों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए। इस अवसर पर सेशन जज राजेंद्र अग्रवाल की ओर से छात्रों को ड्राइविंग लाइसेंस भी बांटे गए। जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी SDM ने बताया कि पंजाब में मोगा पहला जनपद है जहाँ ऐसी सेमिनार का आयोजन किया गया है। आज साढ़े कॉलेज यानी कि लाला लाजपत राय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कलकला में एक ट्रैफिक पुलिस वालों सैमीनार करवाया गया। ये दोनों ने ही पार्टीसपेट किया, स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मैंबरस, उन्होंने लिए बहुत बेनीफिशियल साबित होया। वक्रे वक्रे ट्रैफिक रूल्स बारे सानू अवेयर करवाया गया, जिमें कि ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, मोबाइल फोन की वरतों नहीं करनी चाहिए। अज अच्छी इतने स्टूडेंट्स को ट्रैफिक रूल्स अवेयर कराने पिछे लाला लाजपत राय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के विच कैंप लगाया, जिथे SDM साहब ने साडा बहुत सहयोग दिता है ते इन्होंने मौके ते ही बच्चों नूं लर्निंग लाइसेंस बना के दिती है। मोगा से तन्मय समानता की रिपोर्ट। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए नेशन वन, नमस्कार।